हेलो फ्रेंड्स, डीटेक हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप भी इसी तरह की एलईडी इक्वलाइज़र बनाना चाहते हैं अपने घर पे, तो ये वीडियो है आपके लिए। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अगर आप ये इक्वलाइज़र अपने घर पर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एलईडी स्ट्रिप की। इसके साथ आपको लगेगा एक कंट्रोलर, जिस कंट्रोलर की मदद से आप इसके इक्वलाइज़र के पैटर्न्स को चेंज कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस कंट्रोलर को कनेक्ट करा है एक यूएसबी केबल की मदद से। यहाँ पे मैंने 3.5 mm की ऑडियो केबल यूज़ करी है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। यहाँ मैंने आपको इस पूरी सिस्टम का डायग्राम दिया है, किस तरह से मैंने इनको कनेक्ट किया है। आप इसी तरह से पूरी एलईडी स्ट्रिप को काट सकते हैं। एलईडी के बाय का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको अमेज़ॉन से या किसी और साइट से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करे हम जानते हैं कि किस तरह से मैंने एलईडी का प्रोजेक्ट बनाया है। इसके लिए आपको चाहिए एलईडी स्ट्रिप, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने एलईडी स्ट्रिप्स को काटा है। याद रखिए कि जहाँ पे भी कॉपर मार्किंग है, आप एलईडी स्ट्रिप को वहाँ से काटिए और कॉपर मार्किंग के बिल्कुल सेंटर से काटिए, ताकि आप दोनों तरफ से सोल्डरिंग कर पाए। यहाँ पे मैंने देखिए सोल्डरिंग आयरन की मदद से सभी कॉपर वाले पार्ट्स को एक बार सोल्डरिंग आयरन कर दिया है, जिससे कि मेरे को फ्यूचर में केबल जोड़ने में आसानी हो। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आता है इसे किसी बोर्ड पे चिपकाना। ये इसके साथ कोई डबल साइडेड टेप नहीं थी, तो मेरे को इसको हॉट ग्लू गन से चिपकाना पड़ा, जो कि बहुत ही थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि शुरुआत में मैंने हॉट ग्लू गन केवल थोड़ा थोड़ा लगाया, जिसकी वजह से बार बार एलईडीज हट रही थी। वैसे भी ठंड है, तो हॉट ग्लू गन जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और वो इतनी जल्दी होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हॉट ग्लू अगर यूज़ कर रहे हैं, तो हॉट ग्लू को ज़्यादा लगाएं, क्योंकि आप इस वीडियो में देखेंगे कि कई बार हॉट ग्लू गन कर लगाने के बावजूद भी मेरी एलईडीज जो थी बार बार हट जा रही थी। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें एमडीएफ बोर्ड का प्रयोग करें, क्योंकि एमडीएफ बोर्ड में आपको बाद में क्या फैसिलिटी मिलेगी कि आप इसमें एमडीएफ बोर्ड में आप स्प्रे पेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक डेप्रोन शीट को यूज़ करा है, लेकिन बाद में मैंने इसको एमडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें आप जैसे ही स्प्रे पेंट का यूज़ ज़्यादा करेंगे, ये डेप्रोन शीट जो है पूरी ख़राब हो जाती है। दोस्तों, अभी है टेस्टिंग टाइम। मैंने सारी की सारी कनेक्टिविटी कर दी है, जैसे कि मैंने आयरन सोल्डर का एक डायग्राम दिखाया था, कनेक्टिविटी डायग्राम, उसमें मैंने जिस तरह से कनेक्टिविटी दिखाई थी, उसी तरह से मैंने इसमें कनेक्टिविटी कर दी है। दोस्तों, अब टाइम होता है फ्रेम बनाने का, तो हम इलेक्ट्रिशियन का काम तो कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का नहीं। तो इसके लिए मैंने मदद ली अपने एक अंकल से, जो कि मेरे नियर बाय में ही रहते हैं। उनकी मदद से मैंने ये फ्रेम बनाया। आप देखिए कि फ्रेम बनाने के लिए मैंने उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हम कांच को होल्ड कर पाएंगे और किस तरह से हमें इसके लिए एक खांचा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेम के बारे में। अगर आप चाहें इसको टेम्परेरी एमडीएफ पे ही माउंट करके रख सकते हैं, लेकिन फ्रेम में मेरा करने का पर्पस ये था कि मैं इस फ्रेम को एज अ ग्लास यूज़ करना चाहता था अपने रूम में, यानी कि नॉर्मली अगर कोई देखे तो उसको एक गिलास की तरह दिखे, लेकिन जब मैं इसके अंदर एलईडीज जलाऊं, तो वो एक एनिमेशन की तरह जले। दोस्तों, थोड़ा डेकोरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि इस शीशे प्लस एलईडी इक्वलाइज़र को मेरे रूम में लगना था, तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा ये नाइस एंड क्लीन लगे।
टाइम है ड्रिल करने का ताकि हम इसको दीवार पर माउंट कर सकें। दोस्तों यहाँ हमारा फ्रेम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। दोस्तों फाइनली अनबॉक्सिंग का टाइम, अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। तो फाइनल प्रोडक्ट दीवार पे लगने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप इसे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा शीशा ही लगता है।
मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये LED प्रोजेक्ट कैसा लगा और क्या आप भी इसको अपने घर में, अपने रूम में बनाना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है इसको बनाने में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी का जवाब दे सकूँ ऑन टाइम। जल्द ही मैं इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाला हूँ इसी चैनल पे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के प्रोजेक्ट्स आपको जल्द ही मिल सके। थैंक यू। वंदे मातरम।